हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हैं बेस्ट इनकम सीक्रेट्स। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक अलग सा तरीका लाई हूँ, एक डिफरेंट तरीका लाई हूँ आप लोगों के लिए मनी अर्न करने का, ठीक है, ऑनलाइन, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, एंड दैट टू यूजिंग गूगल। ठीक है, यहाँ पे गूगल का यूज़ करके, ठीक है, गूगल का हम वैसे भी यूज़ करते हैं, सर्चेस के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ का आंसर फाइंड आउट करना है तो हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल के इसी फीचर को यूज़ करके हम लोग एक काफ़ी डिसेंट मनी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कॉपी पेस्ट प्रोसेस यहाँ पे होता है जो आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि यार आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है जो उसके लिए चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ जो भी मैं प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी जो बताने वाली हूँ, वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, अगर आप वो चीज़ें सीख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस सीख लेते हैं, तो इजीली आप इससे मनी अर्न कर सकते हैं, आप हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स इससे अर्न कर सकते हैं। ऑलरेडी लोग ऐसे हैं जो इससे काफ़ी डिसेंट मनी अर्न कर रहे हैं। एंड देखो, एक चीज़ और कि आप इसी प्रोसेस को अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, फ़ोन से भी यहाँ पे आप मनी अर्न कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप हो। सो गाइस, चलिए अब मैं आपको ले जाती हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, एंड मैं आपको बताती हूँ उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो गाइस देखिए, यहाँ पे आप एक वेबसाइट देख पा रहे हैं, दैट इज paidforarticles.com। ठीक है, तो गाइस ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको आर्टिकल्स लिखने का पैसा देती है। ठीक है, सिर्फ यही एक वेबसाइट नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इवन ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, जो एक एक आर्टिकल का, एक एक पोस्ट का आपको इवन $100 to $1000 तक पे करती हैं। ठीक है, बहुत ही मानी जानी वो वेबसाइट्स है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको खुद से सोच करके यहाँ पे कोई चीज लिखनी है, आपको यहाँ पे नॉलेज की जरूरत है, आपको यहाँ पे इंग्लिश आनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तब भी आप इन चीजों को कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे वो पूरा प्रोसेस आपने देखना है। ठीक है, इस प्रोसेस के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, ताकि आप इसी प्रोसेस को, इसी स्ट्रैटेजी को आप फ्रेम करके आप दुनिया की किसी भी आर्टिकल राइटिंग वेबसाइट में आप इसको इंप्लीमेंट कर पाओ, एंड वहां से आप अच्छी मनी अर्न कर पाओ। अब देखो हमको करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको दो ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगी जहां से आपको हेल्प लेनी है इन आर्टिकल्स को लिखने में। ठीक है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, एक एक करके आप सारी चीजों को समझो यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि मैं आपको उस वेबसाइट पे ले चलती हूँ जिसकी हेल्प आपको यहाँ पर लेनी है। ठीक है, दैट इज articlesfactory.com। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स हैं जिन पे आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। इसमें से जो बेस्ट फील्ड्स हैं जो आप यहाँ पे चुन सकते हो, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है, जिसको सबसे ज्यादा लोग पढ़ना पसंद करते हैं, दैट इज हेल्थ। ठीक है, एक हेल्थ हो गया, एक टेक्नोलॉजी हो गया, एक हो गया फैमिली, एक हो गया एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो इन कैटेगरीज को आप यहाँ पे ले सकते हो, इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, किस तरीके के आर्टिकल्स यहाँ पे हैं। एंड गाइज देखिए, इसी की तरह एक और वेबसाइट है जो कि है ajainarticles.com। तो गाइज ये जो वेबसाइट है ये भी ऑल्टरनेटिव है आर्टिकल्स फैक्ट्री का, तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आपको मिल सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जहां से आपको आइडिया मिल सकता है कि किस कैटेगरी पे आपने आर्टिकल लिखना है। सब कैटेगरीज भी हैं इन पर्टिकुलर कैटेगरीज की, तो वहां से आप देख सकते हो, कोई भी एक सब कैटेगरी आप चुन सकते हो एंड उससे रिलेटेड आप आर्टिकल यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे लेट्स सपोज कि हम हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल्स यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अलग अलग चीजों के बारे में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो आपको इन्हीं आर्टिकल से यहाँ पे आपको एक आइडिया लेना है। ठीक है, इन टॉपिक्स पे आपको एक आइडिया लेना है कि किन किन टॉपिक्स से रिलेटेड आप आर्टिकल्स यहाँ पे लिख सकते हो। लेट सपोज कि यहाँ पर हमने एक टॉपिक यहाँ पे उठाया, अ लुक एट सम कॉजेज ऑफ इंसोमनिया। ठीक है, तो लेट सपोज कि हम इसको ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि top 10 causes of insomnia, क्योंकि इंसोमनिया एक ऐसी प्रॉब्लम है बहुत सारे लोग जिससे सफर कर रहे हैं, दैट इज स्लीपिंग प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इस हेडिंग को हम कॉपी कर लेंगे एंड हम पेस्ट कर देंगे इसको गूगल पर। अब देखो गूगल का काम यहाँ पर शुरू हो गया। ठीक है, अब हमें गूगल का पूरा यूज करना है यहाँ पे एक अच्छे, एक बेहतरीन क्वालिटी के आर्टिकल को फ्रेम करने में। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑल्टर कर देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं top 10 causes of insomnia। ठीक है, एंड बहुत से लोग, क्योंकि लोग इसे सफर कर रहे हैं, तो जब ये आर्टिकल को लोग देखेंगे तो लोग चाहेंगे कि वो इसे पढ़ें, ताकि वो उसके जो रीजंस हैं, इंसोमनिया के जो रीजंस हैं, उनको वो जान पाए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, देखो जो जिसका आइडिया हमें वहां से मिल गया। ठीक है, अब हमें देखो क्या करना है,
अब हम इससे रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल सर्च करेंगे, कुछ जो बेस्ट वेबसाइट्स हैं जो यहाँ पे इसके बारे में बता रही हैं, उनके ब्लॉग्स को, उनके आर्टिकल्स को हमें यहाँ पे ओपन कर लेना है। ठीक है, तो अब हमें दोबारा से यहाँ पे गूगल पर जाना है एंड हमने यहाँ पे ओपन कर लेना है गूगल डॉक्स। तो गूगल डॉक्स हम यहाँ पे ये ओपन कर लेते हैं, इस पे क्लिक कर देते हैं गो टू गूगल डॉक्स पर। यहाँ से हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे। अब देखिए जो भी हमारे टॉपिक का नेम था जो हमने फाइनलाइज करा था, तो उसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से एंड यहाँ पर हमने जो गूगल डॉक्स है हमारा इसको हम यहाँ पे रीनेम कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि जो डॉक्यूमेंट है हमारा ये हमारा इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो हम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो जो हमारे मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये हमारा फर्स्ट कॉज है स्ट्रेस। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ से लेट सपोज कि हम टू पॉइंट्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने कॉपी करा एंड इस पे हमने पेस्ट कर लिया। सो गाइस देखिए ये एक और वेबसाइट थी जो हमें गूगल पे मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉजेज मेंशनड है। तो लेट सपोज हमने ये थोड़ा सा कंटेंट यहाँ से ले लिया, अनहेल्दी हैबिट्स एंड रूटीन्स। ठीक है, ये हमने हेडिंग यहाँ पे हम डाल सकते हैं, इसको एज अ हेडिंग हम ले लेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। अब इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने कंटेंट को, हम अपने आर्टिकल को यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट से। ठीक है, अलग अलग वेबसाइट से हम थोड़ा थोड़ा कंटेंट हर वेबसाइट से हम ले सकते हैं। हमें पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। वो 80% कॉपीड भी नहीं होना चाहिए, हमको इस तरीके से अपने कॉन्टेंट को बनाना है ताकि वो पूरा ओरिजिनल कॉन्टेंट लगे। ठीक है, तो आप चाहें तो आप ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, जो उसकी लैंग्वेज है, इसको भी आप ऑल्टर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप कर सकते हैं तो आपका जो बहुत ज्यादा चांसेस होंगी कि आपका जो आर्टिकल है वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे काम करना है, इसी तरीके से हमें अपना आर्टिकल यहाँ पे फ्रेम करना है एंड फिर हमें इस आर्टिकल को जो दूसरी वेबसाइट है वहां पे हमें डाल देना है, वहां पे हमें सबमिट कर देना है। तो बहुत ही सिंपल सी ये स्ट्रैटेजी है, ये आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स में काम करेगी। अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही वेबसाइट यहाँ पे दिखाई है एंड इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, साइनअप कैसे करना है, बाकी चीजें कैसे करनी है, तो आप वो वीडियो मेरी चेक कर सकते हैं इस वीडियो को वॉच करने के बाद। ठीक है, एवर्टन में उसका लिंक है। बट इसी के हिसाब से अगर हम दूसरी वेबसाइट्स देखें जो बाहर के इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, वो आपको काफी अच्छा पे करती हैं, जैसे कि ये हो गया हब पेजेस हो गया एंड प्रो ब्लॉगर हो गया। ठीक है, एंड ऐसी एक और वेबसाइट है medium.com जो कि बिगनर्स के लिए वाकई बहुत अच्छी है, जो इवन 100 to 300 $1,000 तक पे करती है। ठीक है, ऐसी एक और वेबसाइट है vibrantlife.com, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इवन एक ये वेबसाइट है देखिए moneypantry.com। तो यहाँ पे देखो आपको दिखेंगी 101 साइट्स दैट पे यू $50 to $3,000 पर ब्लॉग पोस्ट। एंड देखिए यहाँ पे भी आप देख पाएंगे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में इन्होंने बताया है एंड बहुत सारी वेबसाइट्स इसमें से ऐसी होंगी जो इवन इंडिया के लिए काम करती होंगी। ठीक है, तो ये चीज ये फाइंड आउट करना आपका काम है, ये इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो आप जाएं एक बार इन सारे वेबसाइट्स को एक बार चेक करें। सो गाइज आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड मैं चाहूंगी कि जरूर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एक बार मतलब इसको ट्राई करें। ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको उसका कॉन्टेंट यूजफुल लगा हो, मैं चाहूंगी जरूर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें रिलेटेड टू पार्ट टाइम जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम एंड हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ताकि आप सभी लोग घर बैठे मनी अर्न कर पाए। सो गाइस इतना ही था फिर आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।